नमस्कार फ्रेंड, मैं पीटर बेरा फिर से स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जो है गार्डनिंग टिप्स। गाइस, मैं आज आपको पिटूनिया की केयर और उसमें कैसे आप ब्लूम ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में टिप्स देना चाहूँगा। कि गाइस, ये तो एक विंटर सीज़न का फ्लावरिंग प्लांट है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही सीडलिंग की थी इनकी, और ये मैं आपको अभी का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। अभी जो है टाइम है, ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, आज डेट है 22 तारीख। तो गाइज, ये जो यूजुअली ये ब्लूमिंग सीज़न इसका होता है वह नवंबर के बाद से स्टार्ट होता है, बट मैंने इसमें अभी से ही ब्लूम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र, प्रमोटर और आप हार्मोन्स कह सकते हो, वो भी हमने यूज़ किया है। तो गाइज, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे प्लांट्स के जो ग्रोथ है कैसे अच्छे हो रहे हैं। हर एक जगह पर बर्ड्स आ रहे हैं, न्यू न्यू हर एक प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए, एक ऑलरेडी फ्लावर ब्लूम हो चुका है, उसके बगल में बहुत सारे न्यू बर्ड्स आ चुके हैं, न्यू शूटिंग्स आ रही हैं। एक्चुअली ये जो प्लांट है पिटूनिया, इसका जो नेचर है बहुत ग्रीडी नेचर है। इसे बहुत ही ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र देना होगा, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा। आप हर एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि इसके हर एक कोने में हर बहुत ज़्यादा ज़्यादा बर्ड्स निकल रहे हैं। ये देखिए आप, न्यू सीजन की प्लांट है। ये चार कलर के जो है मेरे पास वैरायटीज़ हैं, ये दोनों ब्लू कलर है, एक लाइट पिंक है और एक डार्क पिंक है। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पॉटिंग सॉइल तो मैं आपको हर एक वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। आपको इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स या आप जो फर्टिलाइज़र कहें या प्रमोटर कहें, वो क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक्चुअली को ये मैं ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप इस पर फर्टिलाइज़र जो है NPK, जो बेस्ट फर्टिलाइज़र कहा जाता है। NPK आप जब भी परचेस करें तो इक्वल रेशियो में कीजिएगा, जैसे कि ये 20-20-20, मतलब 20 जो परसेंट है इसमें नाइट्रोजन है, 20% जो है आपका पोटेशियम है, और 20% आपका इसमें फॉस्फोरस है। ये इक्वली बैलेंस फर्टिलाइज़र है। आप NPK जो है 1 चम्मच NPK 1 लीटर पानी में आप इसे डिजॉल्व करके आप हर एक प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एक एक कप करके इनमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं सीवीड। ये एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है। मैं प्लांट कोई भी आपको ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है। ये सीवीड जो होता है समुद्री घास होती है, सबसे बेस्ट ये आपका पेस्टिसाइड प्लस प्रमोटर का काम करती है सीवीड। आप इसे यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप पेस्टिसाइड्स के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक है। आप इसे अगर ज़्यादा डाल देंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको क्या करना है गाइस, इसकी ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में। मुझे ये लिक्विड फॉर्म में मिल चुका है, ये ब्लैकिश इन कलर होता है। आपको 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करना है, और हर एक हफ्ते आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, प्लस इसके जड़ों में डालना है। और थर्ड चीज़ है, यह है आपका प्रमोटर, जिसे हम, ये आपका Argi82 है, जो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते होंगे। ये आपका पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए क्रॉप यील्ड का प्रमोटर है, स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है। ये आपका प्लांट, ये खुद से कुछ यूज़ नहीं होता, इसको आपको मिक्स करना होगा। अगर आप NPK का डिजॉल्व सॉल्यूशन बना रहे हो तो भी इसमें आपको 1 ml 1 लीटर में हिसाब से, या आप सीवीड यूज़ कर रहे हैं तो भी आप 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आपको ये एडिशनल यूज़ करना है। इसका काम क्या है कि ये आपके प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ये आपके पेस्टिसाइड को जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फर्टिलाइज़र को बहुत जल्दी डिजॉल्व होने में, प्लांट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ये तीनों चीज़ आप इसे यूज़ कीजिएगा तो देखिएगा गाइस, आपकी जो फ्लावरिंग प्लांट है वो बहुत ज़्यादा उसमें बर्ड्स आएंगे, बहुत अच्छे से ग्रो होगा, और बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। आप मेरे प्लांट्स के पत्तों के साइज़ देख के समझ सकते होंगे कि कितना हेल्दी है, और हर एक जगह पे बर्ड्स आ चुके हैं। तो गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और न्यू न्यू वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे आप प्लीज़ जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरे चैनल की न्यू वीडियोज़ पे। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।